एक और फ्रॉड केस में फंसा शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा, जब्त हुई करोड़ों की संपत्ति। बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा फिर एक बार मुसीबतों के घेरे में आ गए हैं। राज के पोर्नोग्राफी मामले में जेल जाने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। शिल्पा की बिजनेसमैन पति की करीब 97 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इसके अलावा उनका नाम पोर्नोग्राफी फिल्मों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जुड़ा है। ईडी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की खबर दी है। बता दें कि ईडी ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस खबर की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि ईडी मुंबई ने अंतिम रूप से ₹97.79 करोड़ की अचल और चल संपत्तियों को PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित कुर किया है। संलग्न संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल है, जो वर्तमान में श्रीमती शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। पुणे स्थित आवासीय बंगला और इक्विटी शेयर राज कुंद्रा के नाम पर है। जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, मनोरंजन जगत में फिर एक बार हलचल मच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने राज कुंद्रा की जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया है, उसमें शिल्पा का जुहू वाला बंगला भी आता है। बिजनेसमैन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA 2010 के तहत यह कार्रवाई की गई है। राज कुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हैं। ईडी ने उनके खिलाफ बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम के तहत एक्शन लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने आम लोगों से बिटकॉइन के रूप में एक बड़ी रकम जमा की थी। इस रकम को 10% बढ़ाकर वापस कर देने का वादा किया था। वैसे दोस्तों, अब देखते हैं कि इस खबर पर क्या कुछ नया सामने आता है। वैसे इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।